नहीं तो मेरे पत्नी को टिकट दो, नहीं तो मेरे ड्राइवर को टिकट दो, और नहीं तो मेरे चमचों को टिकट दो। मैं उनमें से नहीं हूं। मेरा कोई लड़का राजनीति में नहीं, कोई लड़की नहीं, कोई पत्नी नहीं आपको टिकट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए। हाँ, मेरे प्रचार के लिए वो आ रहे, पर वो चुनाव लड़के कभी आपके पास नहीं आएंगे। मैंने मेरे लड़कों को कहा था कि मैं जब राजनीति में आया था तो मैं पोस्टर चिपकाता था, मेरा हैंड राइटिंग खराब था, तो काली दीवार पर मैं चूना लगाने का काम करता था। मैं याद कर रहा था, आज मैंने कल मैंने बब्बू होटल वालों को फोन किया, क्योंकि मुझे याद है कि 1 बजे तक चूना लगाने के बाद बहुत बार लस्सी पीने के लिए और चाय के लिए मैं यहां आया हूं। तो मैंने पूछा कि आप वहां छोड़ दिया, बोले वो मेरी किराए की जगह थी। अब मैंने उन्हीं के होटल का उद्घाटन किया जो सेल ड्राइव रोड पर ने बड़ा होटल बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने लड़कों को बताया कि मेरी जो संपत्ति है वो तुम्हारी है, पर मेरी राजनीतिक विरासत पर अगर किसी का अधिकार है तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का अधिकार है। उनमें से कोई मेरे बाद चुनाव लड़ेगा, पर मेरे बेटे और पत्नी को यह धंधा मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी मैं मुफड़ हूं, राजनीति में जरूर झूठ नहीं बोलता और साफ बात करता हूं। और इसलिए आपको मैं बता देता हूं, आप चिंता मत करिए, जो मुझे वोट देगा उसका भी मैं काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी करूंगा। 10 साल में मैंने 45,000 से ज्यादा हार्ट के ऑपरेशंस किए हैं। अब कितने मुस्लिम बंधुओं के कि उसकी लिस्ट मैंने बनाई नहीं, मुझे बनानी नहीं है। मैंने 350 लोगों को जिनको पैर नहीं थे उनको पैर लगा के दिए, और मुझे आज वो लोग फुटबॉल खेल रहे और बुलेट चला रहे। मैं चुनाव प्रचार के लिए टेका में गया था, और टेका मुझे इसलिए याद आता था कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो साइकिल रिक्शा था नागपुर में, आपको याद होगा साइकिल रिक्शा। तब मुस्लिम समाज के करीब और दलित समाज के 70 से 80% लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। तो मुझे याद है कि मैं जब मंत्री बना, मुझे एक याद आई एक बात कि मैं मेरी मां के साथ बहन के साथ जब रेलवे स्टेशन पर आता था तो महल से बैठकर साइकिल रिक्शा में बैठकर मैं वो लकड़े के पार्टी पर बैठता था। तो कोरोना था, वो कोरोना का जूते वालों का दुकान तिलक पुतले पर, एक डॉक्टर सेन थे और बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय था वहां, ऐसा चढ़ाव है। तो रिक्शे वाला बेचारा ताकत लगा के, 4-4 लोग बैठे रहते थे, उसके शरीर से पसीना निकलता था। वो देखकर तब से मेरे मन में आया कि ये कितना गलत है। मैं मंत्री बना 2014 में, 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, करीब 50 लाख लोग 1 क्विंटल का बोरा अपने पीठ पर लगकर मार्केट में घूमते थे। मैंने स्पेशल बिल लाया, मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार्ट लाया, और मुझे आज जब कोई पत्रकार पूछता है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा अच्छा काम हुआ है, तो मैंने बहुत हाईवे बनाए, दुनिया में मेरे को लोग जानते हैं। मैंने मुंबई में समुन्द्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, अभी तो 40 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। आप कोई भी स्टेट में जाइए, किसी भी ड्राइवर को पूछिए, किसी भी रेस्टोरेंट वालों को पूछिए, वो आपको बताएगा। अभी तो लोग मुझे बता रहे हैं कि हम नागपुर से आए ऐसा बताया अरुणाचल में, तो टैक्सी वाले ने कहा तुमसे पैसे नहीं लूंगा। जब श्रीनगर में ढाबे पे खाना खाने लगे, खाना हुआ, बिल देने के लगे, बोले पूछे कहां से आए, बोले नागपुर से, बोले नितिन गडकरी को जानते क्या, बोले जानते हैं, बोले आपसे पैसे नहीं लूंगा, मेरा धंधा उन्हीं के बदौलत बढ़ा है। तो जब ये